दोस्तों, आज के ज़माने में अपने दोस्तों को पैसा उधार दे या ना दे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। अगर गलती से आपने अपने दोस्त को बता दिया कि आपके पास लाख रुपया है या कहीं से आया है, और अगले ही दिन उसने 20,000 रुपये आपसे मांग लिए, बस समझो लाइफ चेंज हो गई आपकी। अगर गलती से आपने उसे 20,000 दे दिए तो वापस मांगने के लिए फिर आप चक्कर काटते रहो। 1,000 बार मांगने के बाद भी वो यही कहेगा कि भाई दे देंगे, कौन सा मर रहे हैं तेरे पैसे खा के, अरे यार विश्वास नहीं है क्या, यही दोस्ती है क्या, अरे भरोसा रख दे देंगे। करते करते कितना टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और अगर गलती से आपने नहीं दिया तो बस दोस्ती तब भी टूटनी है। भाई मुसीबत में था, तेरे पास 1,00,000 रुपये थे, 20 रुपये दिए नहीं, 20,000 रुपये दिए नहीं, कमाल है यार। पैसा दिए तो फंसे, पैसा ना दिए तो फंसे, दोस्ती हर हाल में टूटनी है। कैसा ज़माना आ गया समझ में नहीं आता है। ये पैसे का लेन देन दोस्तों के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पता नहीं ये आज का जो ज़माना है, जो हवा है, वो ख़राब हो गई है या इंसान की नीयत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों को बताते हुए भी डर लगता है कि भैया हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त कभी ऐसे तो होते नहीं थे, लगता है ये जो हवा ख़राब हुई है ज़माने की, इसी की वजह से लोगों की नीयत बड़ी अजीब सी हो गई है। दोस्ती और पैसा दोनों का जन्म जन्म का बैर है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाए, वापस डाले तो जिंदा रहेगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी, कमाल है। अगर किसी को कुछ समझ में आए तो बताना मुझे भी यार, दोस्तों को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप कहोगे हर दोस्त एक जैसा नहीं होता, लेकिन 90% एक जैसे ही हो रहे हैं आजकल। कैसे बचें इनसे, कैसे छुपाएं, और बताएं तो कैसे बताएं, मांगे तो क्या दें या ना दें, और दे दे तो वापस कैसे मांगे, बड़ा मुसीबत है। अगर किसी को समझ में आए दोस्तों मुझे भी बताओ यार। धन्यवाद।